शुरसलात मक्की सूरत है हिजरत से पहले इसका नजूल हुआ कर्न पाक की तरतीब के अतबार से इसका नंबर सतर सेवनटी सेवन है कुरान पाक के नजूल के अहतबार से इसका नंबर तैतीस थर्टी थ्री है इसमें पचास आयतें हैं और दो रुकू हैं एक सौ अस्सी कलीमात और आठ सौ सो सोलह हरूफ हैं इस शुर मुबारक के शाह नजूल के बारे में है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि वल वलमसलात शब जिन में नाजिल हुई यानी जिस रात में जिन्नात से मुलाकात हुई उसी रात ये शुर मुबारक नाजिल हुई जरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं हम सैद आलम वसल्लम की रिकाबे में थे आपके साथ सफर में थे जब मीना के एक गार में पहुँचे तो वलमसलाबारक हासिल हुई हम वाली वसल्लम से इसको पढ़ते थे और हजूर सल्लम इसकी तिलावत फरमाते थे अचानक एक सांप ने जस्त की छलांग मार कर वो लपका हम उसको मारने के लिए लपके वो भाग गया ने फरमाया तुम उसकी बुराई से बचाए गए वो तुम्हारी बुराई से ये गार मिना में गार वल मुरसलात के नाम से मशहूर है बसमल अल्ला के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला वल मुसलात याफा कसम उनकी जो भेजी जाती है लगातार फल न आशिफात आसफा फिर जोर से झोंका देने वालियां, वन नाशित नश्रॉ फिर उभार कर उठाने वालियां, फल फार फरक़ फिर हक नाहक को खूब जुदा करने वालियाँ फल मुल्कियात जिक्रा फिर उनकी कसम जो जिक्र का इल्का करती हैं ओजरन औ नुजरा, हुज्जत तमाम करने या डराने को इन आयतों में जो कस्मे मजकूर हैं वो पांच सिफात हैं जिनके मौसुफात जाहिर में मजकूर नहीं सिफतें तो जिक्र हैं ये सिफतें किसकी हैं उसका जिक्र नहीं इसलिए मुफसरीन ने इसकी तफसीर में बहुत से अकवाल बयान किए बाज़ ने फरमाया ये पांचों सिफतें हवाओं की हैं बाद ने कहा ये पांचों सिफतें फरिश्तों की हैं बाद ने कहा ये पांचों सिफतें कुरान की आयत की हैं बाद ने कहा कि ये नफुस एक कामिला की सिफत है जो इस्तेमाल के लिए अबान की तरफ भेजे जाते हैं यानी वो कामिल रूह है जो मजीद कमाल के लिए इंसानी जिसम की तरफ आती है फिर जब रूह जिसम में आ जाती है फिर वो रियाजतों मुजाहिदों के झोंकों से मा सिवाय हक को उड़ा देते हैं गैरुल्ला का ख्याल वो सारा उनकी तरफ से दूर हो जाता है फिर तमाम आजा में इस असर को फैलाते हैं फिर हक भी और बादल फी नफसी में फर्क करते हैं और अल्लाह की जात के सिवा हर शे को वो हालिक देखते हैं यानी ये तस्वुर करते हैं कि अल्लाह की जात के अलावा किसी शेय का वजूद ही नहीं फिर जिक्र का इल्का करते हैं इस तरह के दिलों में और जबानों पर अल्लाह ताला का जिक्र ही होता है एक तफसीर का कौल यह है कि पहली तीन सिफतों से हवाएं मुराद हैं और बाकी दो से फरिश्ते इस तकदीर पर माना यह है कि कसम उन हवाओं की जो लगातार भेजी जाती है वलम सलाफा कसम उनकी जो भेजी जाती हैं लगातार यानी उन हवाओं की कसम जो लगातार भेजी जाती है फल आसिफा आसफा फिर जोर से झोंका देने वालिया फिर उन हवाओं की कसम जो जोर से झोंके देती हैं, इनसे मुराद अजाब की हवाएं हैं, वन ना नशरा, फिर उभार कर उठाने वालियाँ यानी वो रहमत की हवाएं जो बादलों को उठाती हैं, फल फारिकात फरका यहाँ मुराद फरिश्तों की जमाते हैं तो फरिश्तों की जमाते हैं जो हक नाहक को खूब जुदा करने वालियाँ हैं फल जिक्रा फिर उनकी कसम जो जिक्र का कर इल्का करती हैं यानी वो फरिश्तों की जमाते हैं जो दिल में अल्लाह ताला के जिक्र का इल्का करती हैं दिल में अल्लाह की याद डालती हैं ओजरन औ नुजरन हुज्जत पूरी करने के लिए या डराने के लिए यानी बाज लोग ऐसे होते हैं जब फरिश्ते उनके दिल में अल्लाह की याद डालते हैं तो वो डर जाते हैं और तोबा कर लेते हैं बाज वो होते हैं जो डरते नहीं तोबा नहीं करते लेकिन ये इन पर हुज्जत हो जाती है कि कल बरोज क्यामत इनसे कहा जाएगा कि फरिश्तों ने तुम्हारे दिल में अल्लाह की याद डाली थी तुम्हारे दिल में नेकी का शौक डाला था तुम्हारा जमीर तुम्हें मलामत कर रहा था लेकिन फिर भी तुमने गुना किए हजरत नबादी अल्माजरत सुन्नत के खलीफा है और इस तफसीर में बार बार हम ये नाम लेते हैं अल्लाह ताला इन नामों की बरकत में नसीब फरमाए आला हजरत इमाम सुन्नत इमाम अहमद रजाअर के खलीफा हजरत सदरफाज सैद नईमुद्दीन मुराद आबादी लिखते हैं कि इब्ल कसर ने कहा कि फार्कियात से जमात मलाई का मुराद होने पर इजमा है इबन कसीर ने कहा कि फार कौत फल फारत फरकौ फिर हक ना हक को खूब जुदा करने वालियाँ और मुल्कियात से फल मुल्कियात जिक्रा फिर उनकी कसम जो जिक्र का इल्का करती हैं, से जमाते मलाइका, फरिश्तों की जमाते मुराद होने पर इजमा है यहाँ पर सदू अफादल रहा ने फल मुल्कियात जिक्रा के बारे में ये लिखा फिर उनकी कसम जो जिक्र का इल्का करती हैं, अम्बिया और मुरसलीन के पास वही लाकर यानी फरिश्तों की वो जमाते जो जिक्र को डालती है किस तरह अंबिया पर अम्बिया के पास और रसूलों के पास वही लाकर जिक्र का इलका ये जमाते करती है लड़ बेशक जिस बात का तुम वादा दिए जाते हो जरूर होनी है यानी बासो आजाब और क्यामत के आने का तुम्हे जो वादा दिया जाता है वो जरूर वाक होगा यामत के आने में और जालिमो काफरों पर अजाब नाजिल होने में कोई शक नहीं है फीदन नजूम तमी सत फिर जब तारे महफ कर दिए जाए जब सितारे मिटा दिए जाए वहीदल समाफोजत और जब आसमान में रखने पड़े वहीदल जिबालसीफत और जब पहाड़ गुबार करके उड़ा दिए जाए व इधर रसूल रसुलत और जब रसूलों का वक्त आए वो उम्मतों पर गवाही देने के लिए जमा किये जाए यौमिन उज्जिलत किस दिन के लिए ठहराए गए थे यौमिल फसल, फैसले के दिन के लिए व मा अदरा फसल और तू क्या जाने वो फैसले का दिन कैसा है इसकी होल नाकी और इसकी शिद्दत का क्या आलम है वही लुई युटलाने वालों की उस दिन खराबी है जो दुनिया में तोहीद को झुटलाते थे नबूवत के मुनकर थे कयामत के दिन के मुनकर थे उठने और हिसाब किताब के मुनकर थे उनके लिए बर्बादी है अलम नुह लेकिल क्या हमने पहले लोगों को हलाक न फरमाया यानी दुनिया में आजाब नाजिल करके हमने क्या पहले लोगों को हलाक न किया जब उन लोगों ने रसूलों को झुटलाया हमने उन्हें हलाक कर दिया सोमानुत आखिरीन फिर पिछलों को उनके पीछे पहुंचाएंगे यानी जो पहली उम्मतों के मुकज़िबीन की राह इख्तियार करके जिस तरह उन्होंने नबियों को झुटलाया ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे हैं उन्हें भी पहले लोगों की तरह हलाक फरमाएंगे